फिरोजपुर में 5 जनवरी को हुई सुरक्षा चूक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पंजाब पहुंचे। उन्होंने मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उनके साथ पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित और सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने अस्पताल परिसर का जायजा भी लिया, साथ ही वहां काम करने वाले डॉक्टरों और स्टाफ के साथ बातचीत भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम देश की हो रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रतिबिंब है। इस सेंटर से पंजाब और हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिवीरियों और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत परंपरा की धरती है। पंजाब ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान इसे कायम रखा। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने 5 जनवरी को फिरोजपुर में हुई पीएम की सुरक्षा चूक, आपको बता दें कि सीएम मान संबोधन के लिए खड़े हुए तो समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। हालांकि मान का संबोधन भी जारी रहा स्टेज पर पीएम के साथ। वहीं केंद्र सरकार ने 660 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बनवाया है। आपको बता दें कि 300 बेड वाले क्षमता का यह हॉस्पिटल कैंसर के इलाज से जुड़ी मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।